हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज देखिए हम फ्रॉक का बैक पार्ट की कटिंग सीखने वाले हैं, जिसमें हम चेन लगाएंगे। तो नाप कुछ इस तरीके से है, देखिए नाप हमारे पास लिखा हुआ है। फ्रॉक कुछ इस टाइप में होती है, नीचे आपका घेर हो सकता है, अम्ब्रेला घेर हो सकता है, प्लेट्स वाली हो सकती है, ठीक है। और नीचे का हम बाद में सीखेंगे, पहले बैक पार्ट सीखेंगे जिसमें हम चेन लगाना सीखना है। तो चेन के लिए कितना है, स्लीव आप आपके अकॉर्डिंग जैसे चाहो वैसे बना सकते हो, छोटी स्लीव चाहिए, बड़ी स्लीव चाहिए। तो अभी हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले लंबाई जो हमारे पास 14 है, तो 14 में हम 1 इंच बढ़ाएंगे, ठीक है। और बढ़ा के हम नाप लेते जाएंगे, नाप हम इस पेपर पे लगाएंगे। और मैंने डबल फोल्ड में लिखा है क्योंकि अभी हम बैक पार्ट पर कटिंग कर रहे हैं, फ्रंट की हम अलग से करेंगे, ठीक है। तो देखिए जो भी आपकी लंबाई है, लंबाई में आपको 1 इंच बढ़ाना है। लंबाई हमारे पास जितनी भी है उसमें 1 इंच बढ़ाना है। दूसरी चीज़, आप जब भी नाप लगाओगे तो गले का नाप हमेशा बैक साइड लगाते हैं। तो देखिए गला हमारा 14, गला जो है कितना लेंगे वो भी हम आगे देखेंगे। तो चेस्ट हमारा जितना है, चेस्ट जैसे 34 है, 34 का चौथाई भाग 8.5 होता है। और इसमें आप लूजिंग के लिए कितना ऐड करना चाहते हो वो भी ऐड कर दीजिए। 1.5 इंच मैं ऐड कर रही हूँ, आप 2 इंच भी ले सकते हो, 1 इंच भी ले सकते हो, मार्जिन का है। इसके बाद हाई वेस्ट मतलब कमर कितनी है, कमर हमारे पास 31 है, 31 का चौथाई भाग आएगा 7.5, 7.5 लिया और उसमें भी हम 1.5 इंच बढ़ाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद हमें आर्म होल चाहिए, आर्म होल हमारा 16 है, 16 का हाफ आधा आता है 8, ठीक है। तो ये हमारा आर्म होल हो गया, उसमें भी हम 1.5 इंच बढ़ाएंगे। ये नाप हमने रफली बना लिया है, अब हम इसको पेपर पे ड्राफ्टिंग करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी और भी वीडियो मिल सके, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम नाप लगाने से पहले एक साइड, जिस टाइप साइड हम गले का नाप लगाएंगे उस तरफ हम 1/2 इंच की ऐसे हमें 1/2 इंच छोड़ना है। 1/2 इंच क्यों छोड़ना है, ताकि हमें चेन लगाने में आसानी हो। चेन के लिए जो मार्जिन होता है वो मार्जिन हमें ये 1/2 इंच ऐसे आपको लेना है। और अभी मैं डबल फोल्ड में ही लगा रही हूँ उसको, फोर फोल्ड में नहीं रखा है। ये 1/2 इंच मार्जिन हो गया, अब इसके जो भी नाप लगेंगे इसके बाद में लगेंगे, ठीक है। अब जो है आपका गला कितना है, गला हमें लेना है, मान लीजिए जो हमारे गले की चौड़ाई है वो और लंबाई है वो दोनों देखना है। तो चौड़ाई अगर आपकी ज़्यादा होती है तो लंबाई कम होती है, ठीक है। और जब हम चेन वाला बनाते हैं फ्रॉक, तो बैक पार्ट की जो गला है उसकी लंबाई कम होती है तो गले की चौड़ाई ऑटोमेटिक ज़्यादा होती है। तो नॉर्मल साइज है, मान लीजिए इनका शोल्डर के अकॉर्डिंग जो बड़े साइज मीडियम साइज का बना रहे, तो इसके लिए हम जो गले की चौड़ाई है वो 3.5 इंच ले रहे हैं। आप और बड़े साइज में या फिर आप शोल्डर का पूरा भी ले सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो अभी हमने 3.5 लिए हैं और गले की लंबाई 2.5 इंच ली। इस तरीके से हम नाप लेंगे, ये 3.5 हमें लेना है नॉर्मल साइज में, फुल साइज में हमें लेना है ये जो 3.5 लिया उसको 4 इंच लेना है, और ठीक है। और छोटे साइज में छोटे बच्चे के लिए बनाएंगे तो 2 से 2.5 लेंगे। शोल्डर जैसे मुझे 3.5 या 3 चाहिए, जितना भी चाहिए, 2.5 चाहिए तो 2.5 का मिल गया 3.5, 1/2 इंच सिलाई में लगेगा इसलिए। इसके बाद यहाँ से जो है मैं आर्म होल की लंबाई ले रही हूँ, तो लंबाई मुझे लेनी है 5.5 इंच लंबाई ले ली है मैंने। इसके बाद यहाँ पर हमें लगाना है चेस्ट का नाप, चेस्ट हमारा कितना है 8.5, 34 था तो 8.5, इसमें 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। तो ये जो है हमें आर्म होल 8.5 होना चाहिए, और 8.5 का चेस्ट है तो 5.5 हमने ये लिया, ठीक है। ये 5.5 आर्म होल की लेंथ हो गई है। यहाँ से सीधी लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे, अब इसके बाद यहाँ से गोलाई देंगे। ये गोलाई ध्यान रखना है कि 1/4 इंच मतलब 1 इंच से कम की होती है, 1/2 इंच या 1/4 इंच इससे ज़्यादा नहीं ली जाती है, ठीक है। इस तरीके से हमने ये ले ली और ये 8.5 और जो 1.5 इंच का लिया वो हमने यहाँ पे लगा दिया है इस तरीके से, ये देखिए। अब हमें नेक्स्ट जो नाप लेना है वो लेनी है लंबाई। लंबाई आप सबसे पहले भी ले सकते हो, अब ये लंबाई जो आपकी थी 14 थी तो मैंने 15 इंच लंबाई ले ली है,
इसके बाद हमारी कमर कितनी है, कमर भी निकालना है। इससे पहले हमें लाइन एकदम स्ट्रेट ड्रॉ करनी है, थोड़ी सी तिरछी थी मैंने सीधी कर ली उसको। इसके बाद हमारा गला कितना है, 8.5, 8.5 पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे फिर 1.5 इंच जो मार्जिन है वो लेंगे। अब यहाँ पे कोई भी डार्ट या टक्स नहीं डलेगा, तो चेन वाले साइज में कभी भी डार्ट या टक्स नहीं डलता, तो यहाँ डार्ट के लिए मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब गला डीप होगा तब डार्ट डलता है। तो यहाँ 1.5 इंच जो ऊपर लूजिंग लिया था, सेम वही 1.5 इंच मैंने यहाँ ले दिया और दोनों नाप को ध्यान में रखते हुए इस तरीके से नाप ले लिया है। अब ये आर्म होल जो है, आर्म होल और चेस्ट हमारा बराबर होता है। ये 8.5 आ रहा है मेरा, ठीक है, सेम चेस्ट जहाँ आ रहा है मेरा 8.5, वहीं पे मेरा आर्म होल 16 था उसका 8 वहीं आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग कर सकते हो।